दोस्तों आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें तुम्हारे सीव के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। हमारा हाईएस्ट प्राइम का कॉन्सेप्ट, तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि मल्टीपल्स के ऊपर आइट्रेट करके हम कैसे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी जो आज का जो क्वेश्चन है उसमें यूज होने वाला है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने इजी मीडियम टू मीडियम टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था सीव के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो सबसे पहले जाके देख लो क्योंकि इस वीडियो में भी वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होने वाला है। एंड आज का जो क्वेश्चन है मीडियम टू मीडियम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो उससे थोड़ा डिफिकल्टी होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 64 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हैकर का ये क्वेश्चन है, हैकर डिक्रिप्टिंग मैसेजेस। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एलेक्स हैज स्टार्टेड हैकिंग वेबसाइट्स एंड ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस। वंस ही फेस्ड एन इंटरेस्टिंग इशू वेयर ही नीड्स टू डिक्रिप्ट द मैसेज इन अ डिफरेंट वे। Initially, he will be given an array A of n integers and has to decrypt Q messages. एक array दिया गया n integers का और Q queries दी गई है हमें, ठीक है। हर एक query में क्या बोल रहा है, will get an integer x and if x can be converted into product of two different or same prime numbers, ठीक है, prime numbers का product बनाना है, same या different, मतलब 2 into 3 भी चलेगा, 2 into 2 भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा possible है तो answer उसको बोलना, output करना yes। अगर ऐसा possible नहीं है तो उसको आंसर आउटपुट करना नो। अभी बोल रहे टू कन्वर्ट एक्स, ही कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम एरे से वाई, एक्स शुड बी डिविजिबल बाय वाई एंड कैन डिवाइड एक्स बाय वाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, टिल एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, हेल्प एलेक्स इन डिक्रिप्टिंग द मैसेजेस। तो बेसिकली बोल कह रहा है हमें एक एरे दिया गया सिंपल सा, अब उसके बाद क्यू क्वेरीज दी गई है, हर एक क्वेरी में एक इंटीजर एक्स दिया गया और उस एक्स को हम ना कन्वर्ट करना है किसी एक नंबर में। अब कैसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना है ना वो दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आना चाहिए। वो दो प्राइम नंबर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और सिर्फ दो प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली 3² × 5 टाइप नंबर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3² दो नंबर हो गए और 5 एक नंबर हो गया, तो टोटल 3 प्राइम नंबर्स हो गए। वो बोल रहे हैं ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसमें सिर्फ दो प्राइम नंबर हो, तो 3 × 5, 5 × 2, 5 × 7 या 5 × 5, दो सेम प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और कन्वर्जन कैसे करना है कि जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी जो गिवन एरे है उसमें से कोई भी एक नंबर ले लो जो एक्स को डिवाइड करता हो, ठीक है, जो एक्स को डिवाइड करता हो, है ना, और एक्स को कॉन्टिन्यूसली उससे डिवाइड करते जाओ। तो अगर तुम्हारी मर्जी है कितनी मर्जी बार डिवाइड कर सकते हो, तो अगर तुम्हें वो डिजायर्ड नंबर मिल पा रहा है तो ठीक है किसी भी नंबर के थ्रू, अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर तो आंसर नो प्रिंट करना है। तो अगर मिल पा रहा है यस प्रिंट करना है, अगर नहीं मिल पा रहा है नो प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, 4, 3, 2, 22, 7, 10, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्वेरीज के 3 क्वेरीज है हमारी यहाँ पे, और यस नो यस प्रिंट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या रिसेंटली तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हो, तो अनअकैडमी ने एक नेटफ्लिक्स टाइप सब्सक्रिप्शन लेके आया। अब इस सब्सक्रिप्शन में ना काफी सारे सेशन होंगे जो काफी डिफरेंट डिफरेंट लोग लेंगे, जैसे कि तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक टेक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक एपिसोड है, एक सीरीज है जो हर वीक होगी, एक यहाँ पे एचआर टॉक्स का जो एक एपिसोड है जो अनुज लेने वाले हैं, नीचे यहाँ पे तुम देख लो प्रोजेक्ट रिव्यूज का एक सेशन है जो स्ट्राइवर लेने वाला है ना, एंड यहाँ पे एक मेरा भी सेशन है जो है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें मैं हर वीक क्या करूंगा, एक टॉप कंपनी के, एक फैंग कंपनी या कोई भी कंपनी का हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक या दो इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फेसबुक वाला ऑलरेडी हो चुका है एंड आगे ये वाले होने वाले हैं, राइट। तो ये जो सारी सीरीज है ना ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर बंडल्ड है। तो अगर तुम इस सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हो तो इसका कॉस्ट है 999 rupees फॉर 1 year, और अगर तुम्हें इस 999 पे भी डिस्काउंट चाहिए तो तुम यहाँ पे लव इज मी करके मेरा कोड डाल सकते हो और अप्लाई करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट इस 999 के ऊपर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे अनअकैडमी का ना कोड ट्राइब नाम से एक नया कोडिंग चैनल आया, तो यहाँ पे काफी लोग कोडिंग के रिलेटेड क्लासेस लेते हैं जो कंप्लीटली फ्री है, एंड यहाँ पे हर वीक मैं भी लाइव सेशंस लेता हूँ फ्री, जहाँ पे तुम मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ये टोटली फ्री है। तो तुम जाके यहाँ पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे जब भी मेरा वीकली लाइव होता है तो तुम उसको अटेंड कर सकते हो। तो इस एग्जांपल को यहाँ पे लिखते हैं, तुम्हारा 2, 22, 7 और 10, ठीक है, और हमारी क्वेरीज क्या है, 16, 4, 29 और हमारा 42। तो 16 हमारा क्या हो गया, 2 to the power 4, तो हमें इसको दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली हमें 2 into 2 ही बना सकते हैं इसमें, तो 2 into 2 ही बना सकते हैं, तो हमारा 2² हटाना है हमें। तो बेसिकली बोल के कह रहा है कि इस नंबर को एरे के किसी भी नंबर से जितनी मर्जी बार डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक नंबर से, ठीक है, सिर्फ किसी एक नंबर से। तो मैं 2 से दो बार डिवाइड कर दूंगा तो हमारा 2² बन जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया यस, ठीक है, ये आंसर हो गया यस। इसके बाद 429, तो हमारी यहाँ पे 429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 × 11 × 13। तो यहाँ पे हमें नंबर क्या बनाना है, या तो हम 3 × 11 बना ले, या तो हम 11 × 13 बना ले, या हम 3 × 13 बना ले, ठीक है। तो इनमें से मतलब बेसिकली कोई एक नंबर हटाना पड़ेगा, बट कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों, मतलब या ना इस एरे में 11 है, ना इस एरे में 13 है, ना 3 है, तो हम हटा नहीं सकते डिवाइड करके। तो ये बेसिकली हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो, ठीक है, इसका आंसर हो गया नो। अब 42 क्या है हमारा, 2 × 3 × 7, 6, 7 से 42 होता है ना, तो इसमें से हम 3 × 7 बना सकते हैं, 3 × 7 बना सकते हैं, 2 × 3 बना सकते हैं,
या फिर 2×7 बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर हटाना है तो यहाँ पे हम 7 को भी हटा सकते हैं 7 का यूज करके, या फिर हम 2 को भी हटा सकते हैं 2 का यूज करके। तो कोई भी एक चॉइस से हम हटा सकते हैं, एक ही नंबर चूज करना है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है हमारा यस हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने डिस्कस करी, वैसे ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी गई है कि x by 2 टाइम्स हम कर सकते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और 42 को यू कैन चूज 2 फ्रॉम द गिवन अरे एंड डिवाइड x by 2 वन टाइम, ठीक है, वो भी कर सकते हैं या फिर 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमारी पॉसिबल है। तो बेसिकली हम देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये जो भी हमें क्वेरीज दी गई है, यहाँ पे हमें क्वेरीज दी गई ना 16, 4, 29, 42, इनकी सबसे पहले तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, मान लो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसको या तो हमें 2 में कन्वर्ट, मतलब जो उसका काउंट है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का जो काउंट है उसको या तो 2 काउंट रखना है या तो 1 काउंट रखना है। 1 काउंट मतलब जब एक, मतलब सेम जो दो बार आ रहा होगा, है ना, सेम जो दो बार आ रहा होगा वो काउंट रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे पास नंबर होता है यहाँ पे, लेट से 4×3 टाइप्स, तो 12 नंबर होता है, लेट से, है ना, 12 नंबर होता है, तो यहाँ पे 2×2×3 है ना, तो मैं यहाँ पे 2×2 भी रख सकता हूँ, 2×3 भी रख सकता हूँ, तो ऐसा एक नंबर रखना है। बट मेरे को सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज जाननी जरूरी है कि जो नंबर ऑफ प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है किसी भी नंबर के, जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है किसी नंबर के वो कितने हो सकते हैं। किसी भी नंबर जो हमारा, जैसे यहाँ पे हमारे नंबर्स की रेंज हम देख रहे थे कितनी दी गई है, यहाँ पे हमारे क्वेरीज 10^6 दी गई है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेरी का लॉजिक है वो भी लॉग एन टाइप्स होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जो AI की रेंज है वो भी 10^6 दी गई है, ठीक है। तो हमारे 10^6 से छोटा जो नंबर होगा ना, कोई भी जो 10^6 से छोटा नंबर है, तो 10^6 से कोई भी अगर छोटा नंबर है उसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का काउंट कितना हो सकता है मैक्सिमम, वो ना 10 से ज्यादा नहीं होंगे कभी भी, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि लेट से हम सबसे छोटे, लेट से अगर 10 से ज्यादा हो सकते होते तो छोटे वाले हम सबसे, मतलब मिनिमम प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि सारे सबसे छोटे वाले प्राइम फैक्टर्स ले लो, तो सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो ये हमने कितने प्राइम फैक्टर्स ले लिए, हमने 10 से भी कम प्राइम फैक्टर्स लिए हैं। बट तुम इन्हीं सभी प्राइम फैक्टर्स का भी प्रोडक्ट ले लोगे ना, इन सबका ही प्रोडक्ट ले लो, तो ये भी 10^6 या 10^6 को एक्सीड कर जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं 10 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स लूंगा तो उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारा 10^5, 10^6 को एक्सीड करने वाला है। तो किसी भी जो नंबर है, जो 10^6 से जो छोटा नंबर होगा या 10^5 से जो छोटा नंबर है, उनके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब 10 के आसपास तुम मान सकते हो, ठीक है, 10 से छोटे ही होंगे, जो उनका काउंट है वो 10 से छोटा ही होगा। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से अगर मैंने ये जो मेरे को क्वेरीज में नंबर दिए गए हैं 16, 4, 29, 42, मैं क्या कर सकता हूँ, इन नंबर्स के ना सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, सारे के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जैसे 429 था, हमारा 429 था, तो इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, हमारे आ गए 3, 11, 13, ठीक है, ये मैंने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाली है, काउंट नहीं मैं स्टोर कर रहा कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए। अभी हमारा जो जिस भी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, जिस भी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है उसका पॉसिबल क्या है कि 3×11 हो सकता है वो, है ना, या तो वो 11×13 हो सकता है ना, और यहाँ पे जो 3×13 हो सकता है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये कोई भी दो प्राइम फैक्टर्स उठा लो, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी दो फॉर लूप लगा के दो प्राइम फैक्टर्स उठा लो और देख लो कि जो बाकी नंबर बचा है। तो बेसिकली मैंने लेट से निकाला 3×11, है ना, 3×11 मैंने मान लिया कि ये इस नंबर में कन्वर्ट करना है मेरे को 429 को, तो बाकी क्या बचा, 429 डिवाइडेड बाय 3×11, है ना। तो देख लेंगे कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये इस एरे में, ये इस गिवन एरे के किसी मतलब मल्टीपल के बराबर है कि नहीं। ये जो नंबर बना है, ये जो हमारा नंबर बना 429 बाय 3×11, ये बेसिकली क्या बनेगा, 13। तो मैं बेसिकली क्या देख लूंगा, जो भी हमारा नंबर बनेगा ना, तो इस एरे में या तो वो नंबर खुद हो, ठीक है, या तो उसका कोई टोन्ड डाउन मल्टीपल हो, मतलब मल्टीपल कैसे मान लो कि मतलब जैसे लेट से यहाँ पे एक नंबर आता, मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैं नंबर मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लेट से हम बोलते हैं कि यहाँ पे आ गए 9, ठीक है, यहाँ पे आ गए 9, ठीक है, तो यहाँ पे इस एरे में सपोजिटली 9 नहीं है, बट हो सकता है इस एरे में 3 हो, तो मैं 3 से डिवाइड कर करके 9 भी बना सकता हूँ ना, 3 से डिवाइड करते करते 9 बना सकता हूँ ना मैं, कि पहले एक बार 3 से डिवाइड किया तो एक 3 खत्म हो जाएगा उस नंबर में से, दोबारा 3 से डिवाइड करूंगा एक और 3 खत्म हो जाएगा। मेरे को करना क्या है, 9 को खत्म करना था, यहाँ पे इस 9 को खत्म करना है ना, तो यहाँ पे वैसे मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारा 429 डिवाइडेड बाय 3×11 के बना, हमारा यहाँ पे बन गया 13, हमारा बन गया 13। अभी 13 जो है, इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता,
और ना ही कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जो अपना मल्टीप्लाई हो के 13 बना पाए, है ना। तो इसका इसलिए आंसर नो है। बट यहाँ पे मैं सारे चॉइसेस के थ्रू जा सकता हूँ, और ये जो चॉइसेस हैं इसका जो जाने का जो टाइम लगेगा वो एन स्क्वायर लगेगा, कि ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से हर एक दो सिलेक्ट कर लूंगा दो फॉर लूप लगा के, और ये टोटल है कितने 10 है, मतलब मैक्सिमम मैंने देखा था डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स में 10 ही हो सकते हैं। तो फॉर लूप क्या होगा, 100 साइज का फॉर लूप होगा, दो फॉर लूप लगा देंगे। तो ये हमारे क्वेरीज के लूप के अंदर भी चल सकता है। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तो हमने देखा था सीव से कैसे फाइंड होती है, लॉग एन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे हाईएस्ट प्राइम लोएस्ट प्राइम पहले से स्टोर कर लेंगे और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ये बेसिक चीज हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं तो ताकि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से मैं बोलता हूँ, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिले इस चीज की। तो लेट से एग्जाम्पल लेते हैं 60 नंबर की, ठीक है, 60 नंबर की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते 60, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरे हम नीचे दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या था 222 710। तो 60 के डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 60 क्या होता है हमारा 12 5 60 होता है, 12 क्या होता है 4 3, है ना। तो 2 square into 3 into 5 हो गया, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 3 और 5। 2 जो हमारा दो टाइम्स आता है, 2 times आता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, हमारे पॉसिबल क्या है, पॉसिबल हमारे जो नंबर्स हैं जो हम बना सकते हैं, या तो हम 2 into 2 बना सकते हैं, है ना, 2 into 3 भी बना सकते हैं, 2 into 5 भी बना सकते हैं, है ना। अगर हम और क्या बना सकते हैं, 3 into 2 हमारा ऑलरेडी हो गया, 3 into 5 बना सकते हैं, और हमारा 2 into 5 भी ऑलरेडी हो गया। तो हमारे ये 2 into 5 तो ऑलरेडी हो गया, तो हमारे ये सारे बन सकते हैं। अभी अगर 2 into 2 बनाना है तो 3 और 5 को हटाना पड़ेगा, 2 into 2 बनाना है तो 3 और 5 को हटाना पड़ेगा। तो 60 divided by 2 into 2, है ना, 60 divided by 2 into 2। तो ये जो नंबर बचेगा 60 divided by 2 into 2 जो नंबर बचेगा कितना आ गया, 60 divided by 4, तो 60 divided by 4 आ गया हमारा 15, है ना। तो इस नंबर को 60 में से हटाना पड़ेगा डिवाइड करके। तो या तो इस एरे में 15 होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा एक नंबर होना चाहिए जिसको अपने आप से मल्टीपल करके, मतलब जिसका स्क्वायर या क्यूब या फिर टू द पावर 4 15 हो, ठीक है, या वो नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें 15 है, और 15 हमारा कोई पावर भी रिप्रेजेंट नहीं करता जिसको हम खत्म कर सके। देखो अगर हम मल्टीपल्स करेंगे ना, कि मतलब अगर लेट से मैंने 2 चूज किया, लेट से या फिर मैंने 7 चूज किया, तो मैं 7 की पावर्स हटा सकता हूँ, क्योंकि 7 से बार बार डिवाइड करना है। तो 7 हटाऊंगा, दोबारा 7 हटेगा तो 49 हट जाएगा, उसके बाद दोबारा 7 हटेगा तो 49 into 7 हटेगा। तो सिर्फ या तो 7 हटा सकता हूँ, या तो इसकी पावर्स हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या नंबर हटा सकता हूँ, किसी भी 60 में से क्या क्या हटा सकता हूँ, 2 की सारी पावर से हटा सकता हूँ, है ना, 2 की सारी पावर से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 60 से मैं 2 को जितनी मर्जी बार डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से एक बार डिवाइड कर दूं, दो बार डिवाइड कर दूं, तो 2 की पावर ही हटेंगी। 22 की भी पावर से हटा सकता हूँ, 7 की भी पावर ही हटा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉसिबल नहीं है। 2 into 3 बना सकते हैं, 2 into 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 into 3 बनाने के लिए हमें 60 by 2 into 3 करना पड़ेगा, तो बच गया 10। 10 भी नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते, 10 भी नहीं कर सकते। अभी 60 को हम कैसे में कन्वर्ट करते हैं, 60 को 10 में कन्वर्ट करते हैं। 60 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 divided by 10, है ना, 60 divided by 10 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो 6 भी हमारे इस एरिया में नहीं है, और 6 तो ऑलरेडी पावर नहीं है, तो मतलब कुछ ऐसा हो नहीं सकता है। अब 3 into 5 बनाना है, ठीक है, 3 into 5 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 divided by 3 into 5, है ना, 60 divided by 3 into 5 क्या होता है, 4 हो गया। तो अब मेरे को 4 को हटाना है, ठीक है, अब मैं 4 को हटा सकता हूँ, क्यों, 4 हमारा इस एरे में तो नहीं है, बट 4 को हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर एक 4 है। तो लेट्स से 16 into 2 होता है, तो 16 into 2 क्या हो गया, 120, तो उस केस में यहाँ पे 8 हटा सकते थे, तो 8 भी हटा सकते थे, क्योंकि 2 से डिवाइड कर सकते ना रेगुलर, तो एक बार 2 से डिवाइड करेंगे 2 हट जाएगा, 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हट जाएगा, 3 बार 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हट जाएगा, तो 2 की सारी पावर हटा सकते हैं। तो ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि बेसिकली इनमें से किसकी पावर हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, बट एक ऐसा नंबर अवेलेबल है जिसकी पावर 4 है, तो इसलिए वो हट सकता है। तो ये हमारा वैलिड केस हो गया, इसलिए 60 एक इसके लिए जो आंसर होगा यस होगा, ठीक है, इसके लिए जो हमारा आंसर है यस होगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारा बेसिक अप्रोच क्या हो गया, हर एक क्वेरी में अगर जो भी हमारा नंबर आया है उस नंबर के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, ठीक है। अब उन सारे प्राइम फैक्टर्स में सारे 2 के पेयर्स निकाल लो, क्योंकि हमें एंड में करना क्या है, नंबर को रिड्यूस करना है किस नंबर में, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो, जो 2 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो, वो 2 प्राइम फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें रिड्यूस करना है। और चेक कर लो कि उस 2 प्राइम फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे चेक करना है कि हम उस नंबर में से ये 2 प्राइम फैक्टर्स हटा देंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो बाकी का जो नंबर बचा है, बाकी का जो नंबर बचा है यहाँ पे, वो देख लेंगे कि उसको हम एरे में गिवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी कोड देखेंगे ना, कोड से तुम्हें और क्लैरिटी होगी, ठीक है। अभी
इसमें सिर्फ एक डिफिकल्ट पार्ट बच गया हमारा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल सकते हैं, दो फॉर लूप भी हम लगा सकते हैं, सिंपल है। बट एक डिफिकल्ट पार्ट क्या बच गया हमारा, लेट से हमें जानना होता यहाँ पे अगर हमारा टू बच जाता, ठीक है हमारा टू बच जाता तो मैं डायरेक्टली जान सकता हूँ कि इस एरे में टू अवेलेबल है कि नहीं। बट अगर हमारा फोर, अगर मेरे को देखना है कि फोर इस एरे में, मैं कैसे देखूंगा कि भाई फोर मतलब फोर एक टू की पावर है ना, तो मैं कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे जानूंगा कि भाई इस एरे में कोई एक ऐसा नंबर है या नहीं है जो फोर को मतलब बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम मल्टीपल्स वाला टेक्निक यूज करेंगे। मल्टीपल्स वाला टेक्निक कैसे यूज करेंगे, सीव का जो मल्टीपल्स वाला टेक्निक है उसमें हम क्या करेंगे, हम हर एक नंबर जो एरे में जितने भी नंबर्स अवेलेबल हैं, एरे में जितने भी नंबर्स अवेलेबल है ना, उन सबके पावर्स को मार्क कर देंगे। जैसे सीव में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को मार्क करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, टू पे जाऊंगा, टू के सारे पावर्स पे जाऊंगा, उसको मार्क कर दूंगा कि ये अवेलेबल है। 22 के सारे पावर्स पे जाऊंगा, मार्क कर दूंगा कि ये अवेलेबल है। 7 के सारे पावर्स पे जाऊंगा, मार्क कर दूंगा कि अवेलेबल है। 10 के सारे पावर्स पे जाऊंगा, 10 टू पावर 6 से जो छोटे हैं उनको मार्क कर दूंगा अवेलेबल है। तो इससे मेरे के सारे पावर्स के लिए जो है एक हैश एरे टाइप बन जाएगा, जिसमें जो हैश ऑफ आई क्या डिनोट करेगा, आईएथ एलिमेंट या तो एरे में है या तो उसकी कोई पावर है, ठीक है ये होगा हमारा। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी कोड से तुम्हें ये और अच्छे से क्लियर होगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। दोस्तों जो अभी हमने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया उसका जो कोड है उसका अभी और 13 मिनट्स का वीडियो है, एंड ये पूरा वीडियो अगर मैं कंबाइन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 30 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा एंड टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो इस पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चन का प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपरली देखेंगे कि जो हमने लॉजिक डिस्कस किया है इसके कोड को हमें अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट करना है, एंड आप लोग खुद भी एक बार तब तक कोड को इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने ही वाला हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो या मेरे को डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।